हमको नहीं खाना को ना दवाई हो रहा है। दादी दादी प्लीज ले लीजिए ना। आइए उठिए थोड़ी। थोड़ी सी को इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अभी आप सो जाइए। कोई जाना नहीं बोल पता है। हाथ पकड़ के दर्द करो। रहने दो, तुम्हारे हाथ दुखेंगे वरना। दुख तो हमें दादी जी को इस हाल में देखकर हो रही हो। दादी जी इतनी परेशान है और हम इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। बहुत हेल्पलेस सा फील हो रहा है। खैर आप जाकर आराम करिए। आप थक गए होंगे ना। पहले उस गौरी और बिजली की क्लास लेनी होगी। रहने दीजिए ना यू, उन्होंने कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया उन्होंने? मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के गया था दादी को। यो, अब तो हमें भी यकीन हो चुका है। जरूर कोई है जो दादी जी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गाने सुनने के लिए छोड़ के गया था तुम दोनों को यार। और तुम तुमने जिम्मेदारी ली थी ना, जब निभा नहीं सकती तो क्यों ली? युग, ये बात सही है कि हम गाने सुन रहे थे, पर ट्रस्ट मी हमारा पूरा ध्यान दादी जी पे था, पर फिर पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। और जस्ट शट अप, मैं कली नहीं हूं जिसका तुम जब चाहे फायदा उठा सकती हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब नाटक के पीछे तुम ही हो। बस बस सबूत नहीं है मेरे पास, पर जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना, ट्रस्ट मी तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कभी तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी किसी को तकलीफ पहुंचाने की। द प्रॉब्लम इज मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वरना कब का उसकी असलियत सबके सामने ले आता। हाँ कल, एक मिनट, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम गौरी पे यकीन करती हो? आयु, हम गौरी पर यकीन करते हैं। हम मानते हैं कि गौरी से भूल हुई है, उसने ध्यान नहीं दिया, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे गौरी का हाथ है, ये हम नहीं मान सकते। और कोई सबूत भी तो नहीं है। पछताओगी तुम, फिर बोलना मत मैंने वार्निंग। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यस जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहां कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो। रोशनी, यश जोकर, लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। हे सरोजनी बिटिया, ये थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी, कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, आ
अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। मैंने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या,